हेलो दोस्तों, मैं हूँ अक्षता कागाल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रवा, बेसन और गेहूं के आटे की लड्डू। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है और 1/2 कप रवा। रवे को हमें अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। ये रवा अभी भुन चुका है, अब इसे अलग बर्तन में निकाल कर रख लीजिए। फिर उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और 1 कप बेसन डालकर भून लीजिए। बेसन का कलर पीले रंग से हल्का सा सुनहरा होना चाहिए, तब तक इसे भून लीजिए। ये बेसन अभी भुन चुका है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इस बेसन को निकालकर साइड में रख लीजिए। फिर से उसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून घी डाल दीजिए और 1.5 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को भी हमें भून लेना है। जब आटे से धीमी सी खुशबू आने शुरू हो जाए और आटे का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आटे को भी निकालकर साइड में रख लीजिए। रवा, बेसन और गेहूं के आटे को एक ही बर्तन में डालकर अच्छे से मिला लीजिए। हमने यहाँ लड्डू बनाने के लिए 3/4 कप घी का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने थोड़ा थोड़ा करके इन सभी चीज़ों को भूनने के लिए इस्तेमाल किया। अभी जो बचे हुए घी को हम इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 कप चीनी का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। आपको ये मेरी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए और लड्डू बांधना शुरू कर दीजिए। सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही एक नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।